वाले रहीम, क्या हाल है प्यारे बच्चों और बड़ों बच्चे और बड़े। जो बड़े होते हैं वो भी तो बच्चे होते हैं ना। अच्छा ठीक है ठीक है। तो आज हमारा दूसरा सेशन, पिछली दफा अच्छा दूसरा सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं आज। बुनियादी तौर पर अगर पूरी बात आपके सामने रखें कि हमने इनिशियल स्टेज पर ये सोचा था कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया तो जाता है लेकिन तरबियत का कोई काम नहीं है। हम कहते हैं ना तालीम के साथ साथ तरबियत भी होना ज़रूरी है। तो अक्सर सवाल उठता था कि तरबियत क्या, तरबियत में क्या करें, क्या बताएं बच्चों को। तो हमने बड़ा सर्च किया, किताबें ढूंढी, पूरे कराची के बुक स्टॉल्स खंगाल मारे कि बच्चों को तरबियत के लिए क्या पढ़ाया जाए, वो क्या कोर्स हो, क्या सिलेबस हो। तो दो तीन किताबें हाथ लगी लेकिन वो किताबें ऐसा लगा जैसे माँ के लिए लिखी गई हैं, यानी माँ को बताया है कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। तो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी ज़रूरियात, और ये बास किताबें जो है वो बाप के लिए लिखी गई हैं कि बाप अपने बच्चे को कैसे तरबियत करे। लेकिन कोई किताब स्कूल में कैसे बच्चों की तरबियत की जाए, इस पर नहीं थी। तो फिर हमने सर्च किया इंटरनेट पर। इंटरनेट पर सर्चिंग के दौरान हमें एक वेबसाइट मिली जिसका नाम है कैरेक्टर बिल्डिंग करिकुलम। आप लोग भी जाके देखिएगा, गूगल पे सर्च करें कैरेक्टर बिल्डिंग करिकुलम। तो उस वेबसाइट पर तकरीबन 20 के करीब बुनियादी कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। इंग्लिश में है सारे वो, और बाहर के कल्चर के लिहाज से, यानी बरतानिया और अमेरिका में जो कल्चर है उसके लिहाज से। तो मैंने उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसको अपने कल्चर के लिहाज से ढाला कि हमारे कल्चर और हमारी तहजीब और हमारे इस्लामी और पाकिस्तानी लिहाज से इसको कैसे जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह 20 कैरेक्टर जो है वो मैंने समझा कि स्कूल के स्टूडेंट्स को कम अज़ कम 20 बातें ज़रूर बताई जाए जिससे वो उसकी तरबियत हो जाए। ये 20 कैरेक्टर पढ़ाने के लिए मैंने पिछले साल 2 सेशन लिए। हर सेशन में 5 कैरेक्टर पहले सेशन में पढ़ाए, फिर 5 कैरेक्टर दूसरे सेशन में पढ़ाए, और फिर 2 महीने के गैप के बाद ख्याल था कि अगले 10 कैरेक्टर और पढ़ाए जाएं, लेकिन मसरूफियत बहुत रही, नहीं पढ़ा पाया। तो इस साल फिर हमने 2 सेशन रखे। एक सेशन हो गया पिछले हफ्ते जिसमें हमने 11वें कैरेक्टर से लेके 15वें कैरेक्टर तक हमने डिस्कस किया। आज सेशन 4 है और इसमें हम 5 कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, 16वें कैरेक्टर से लेके 20वें कैरेक्टर तक। ठीक है, आपके पास पेपर मौजूद है और मेरे पास मेरा मोबाइल मौजूद है। तो पिछली दफा जो कैरेक्टर हमने पढ़ लिए थे उन कैरेक्टर्स में कौन कौन से कैरेक्टर शामिल थे याद है आपको? नंबर 1 फैयाजी, वेरी गुड। नंबर 2 ग्रेटफुलनेस, शुक्रगुजारी, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, शाबाश। और लॉयलिटी यानी वफादारी, और फर्माबरदारी यानी ओबीडियंस, वेरी गुड। आप लोग तो बड़े समझदार बच्चे हैं सारे। अच्छा जी, आज हम जो है वो जो कैरेक्टर पहले पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, मैं इसको 16वां कैरेक्टर कह रहा हूं, और इसका नाम है
इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है अमल में पहल करना। अमल में पहल करना, क्या मायने हैं इसके अमल में पहल करने के? यानी जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो लोगों के दो रवैये होते हैं। एक रवैया ये कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और देखते रहें कि देखें क्या होता है, और इंतजार करें कि कोई दूसरा जो है वो काम करे, हमें काम ना करना पड़े। ठीक है, और इस इंतजार में रहें कि चीजें खुद ब खुद सही हो जाएं या वक्त चीजों को खुद ब खुद सही कर दे, खुद से आगे बढ़कर चीजों को हैंडल करना और अपने हाथ में चीजें लेना, ये लोगों के पास नहीं होता। एक रवैया ये है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, हमारे गली में गटर उबल गया। मैं कॉमन मिसाल दे रहा हूँ जो हमारे मोहल्ले पड़ोस में होती है। अच्छा, अब वो पानी भर रहा है गली में, लोग आ रहे हैं और साइड से वो होके जा रहे हैं। ठीक है, सब देख तो रहे हैं कि मसला हो रहा है, लेकिन उस मसले को हल करने के लिए कोई भी आदमी पहला कदम नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, अच्छा, अब एक आदमी उसमें ऐसा है जिसने सोचा, यार ये पानी जमा हो गया तो ऐसा करें कि मैं दो ब्लॉक ले आता हूँ उठा के और दो ब्लॉक रख देता हूँ ताकि इस पानी में से लोग आसानी से गुजर लें, कपड़े खराब ना हो। तो ये जो आदमी है ना, इसने क्या करा, इनिशिएटिव लिया है इस मसले को हल करने के लिए, इसने अमल में पहल की। ठीक है, अच्छा, एक आदमी और था, उसने बोला यार ये गटर भरे जा रहा है और सबको प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ दरखास्त लिख के काउंसलर के ऑफिस में जमा करा देता हूँ कि भाई ये देखें तो गटर भर गया है, आप इसको हल करें। तो वो क्या करता है, दरख्वास्त लिखता है और जाता है खुद शाम में सुबह में और जाके कहता है भाई यहाँ गटर हमारा भर गया, इसको साफ कराएं, पक्की भेजें। सही है, तो ये आदमी भी क्या है, इसने इनिशिएटिव लिया है। तो दो रवैये हैं, एक रवैया ये है कि बैठे रहो, देखते रहो, लेट्स सी क्या होगा, एक रवैया ये, और एक रवैया ये है आगे बढ़ना, मसले के हल के लिए पहला कदम उठाना और जो आपसे हो सकता है वो कर डालना। जो लोग ऐसे होते हैं कि जो पहल करते हैं, हम कहते हैं कि वो इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं, और जो बैठकर इंतजार करते हैं हम कहते हैं इनमें इनिशिएटिव लेने का कैरेक्टर लूज है या नहीं है। बस मेरी, हमारा आम रवैया हो गया अब सबका कि हम चीज़ें खराब हो रही होती हैं और बैठ के सिर्फ देख रहे होते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आए और इसको सही करे। हम ये कहते हैं ना, गवर्नमेंट सही होगी तो सब कुछ सही होगा। हम ये कहते हैं ना, हमारा पड़ोसी खराब है, अगर वो सही हो जाए तो सब सही हो जाए। ठीक है, तो एक रवैया ये है कि हम अमल में पहल नहीं करें और एक रवैया ये है कि हम अमल में पहल करें, इनिशिएटिव लें। देखिए बहुत फर्क पड़ता है, ऐसे लोग जो बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ रख के, अमल में पहल नहीं करते, वो पीछे रह जाते हैं, वो इस इंतजार में रहते हैं कि कोई ऊपर से आएगा। बाज़ुकात वो कहते हैं कि मेहंदी अलैहि सलाम आएंगे वो सुधारेंगे सर, ईसा अलैहि सलाम आएंगे वो सुधारेंगे सर, आप क्या करोगे? हम तो बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका। एक ये रवैया है। ठीक है, इस रवैये में अगर आप रहे तो लाइफ में आपकी कोई तब्दीली नहीं आनी, आप ऐसी रह जाओगे। तो ये कैरेक्टर मुझे और आपको अपनाना है कि हम इनिशिएटिव लें,
हम अमल में पहल करें, स्टेप लें। आप जा रहे हैं रास्ते के अंदर, आपने देखा कि कांटे पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, दो रवैये हो सकते हैं, आप तो या तो खुद आगे बढ़े और उसको साइड पे करते हैं, या बोले ये तो गवर्नमेंट खराब है, देखो कांटे पड़े हैं या पत्थर पड़े हैं, किसी को एहसास ही नहीं है और कोई काम करने वाला नहीं है, ये सारे बैठ के तनख्वाहें लेते हैं और आप ये कहते हुए गुजर जाए। तो इसका मतलब ये है कि आप भी बोलने वाले हैं, अमल में पहल करने वाले आप भी नहीं हैं। स्कूलों में भी ऐसा होता है, सही है, आप अपने स्कूल में मौजूद हैं और रैपर्स आपने वहीं फेंक दिए, ठीक है। अच्छा, चंद बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं स्कूल के अंदर जो जा रहे होते हैं, सामने उनके रैपर आते हैं ना तो झुकके उसे उठा लेते हैं, ठीक है, यानी वो उठा लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, वो पहल करने में माहिर होते हैं, उस लेट्स सी देखते रहते हैं, देखने वालों में से नहीं बल्कि एक्शन लेने वालों में से। जो लोग एक्शन लेने वाले होते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो सिर्फ देखने वाले होते हैं, शिकवा करने वाले होते हैं, बक 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 करते रहते हैं, हर वक्त करते बढ़ते कुछ नहीं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। ये फैसला आपको करना है कि आप इनिशिएटिव लेने वाले बनेंगे या पीछे रहने वाले बनेंगे। घरों में भी ऐसा होता है, अम्मा अब्बा का झगड़ा हो रहा है, हमारे घरों में ऐसा होता है, लड़ाई हो गई अम्मा अब्बा, एक तो ये है कि आप खुद आगे बढ़ते हैं और दोनों में सुलह कराने की कोशिश करते हैं, दोनों को समझाते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से बीच बचाव कराते हैं, एक तो ये तरीका है, और एक क्या तरीका, अरे लड़ने तो हमें क्या, ये तो बड़े हैं इनको क्या करें, इनसे कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो इतने बड़े हो गए, इनको अकल ही नहीं, ये बेकार लोग हैं, इन्होंने सारी जिंदगी हमारी तबाह कर दी, अब आप बैठ के क्या करें, सिर्फ बातें कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे। तो ये दो रवैये हैं बेटे, एक रवैया ये है कि आप एक कदम आगे बढ़ के उस मसले को हल करने में अपना रोल प्ले करते हैं, और एक तरीका ये है कि आप पीछे खड़े रह के सिर्फ देखते रहते हैं और कहते हैं, बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। तो हमें कैसा बनना है, इनिशिएटिव लेने वाला बनना है, सही है। बहुत सारी बातों में हम कहते हैं ना ये बात गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, लेकिन क्या वो काम हम करते हैं? तो जब ये कह रहे हैं ना ऐसा होना चाहिए, तो अच्छी बात है आपने सोचा, सोचना अलग बात है और एक्शन लेना अलग बात है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि भाई छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बोलते हैं हम, लेकिन क्या आप ख्याल रखते हैं छोटे बच्चे का, ठीक है, क्या आप एक्शन लेंगे इस बात पर, क्या आज से मैं अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखूंगा, मैं रोजाना आधा घंटा उनके साथ गुजारूंगा, उनसे पूछूंगा बेटे आपके क्या हाल है, आप कैसे हो, उनसे उनकी बात करूंगा, उनसे कहानी सुनूंगा, उनको कहानी सुनाऊंगा। तो एक होता है सिर्फ बातें करना, बोलते रहना, ठीक है, और एक होता है एक्शन लेना, इनिशिएटिव लेना, पहल करना, हार्ड डालना काम में, हार्ड डालना, स्टार्ट लेना। ये बड़ा बहुत बहुत बहादुर लोग होते हैं, बड़े बाहिम्मत लोग होते हैं वो, जो एक्शन में पहल करते हैं, ठीक है, मेरी बात पकड़ लिया आप लोगों ने, क्या होता है इनिशिएटिव लेने वाला, जो अमल में पहल करे। मैं एक जुमले में अगर इसको बयान करूं तो कैसे बयान करूंगा, कहने से पहले ही जरूरी काम को जान लेना, कहने से पहले ही जरूरी काम को जान लेना और काम शुरू कर देना।
ये बात सब बच्चों को जहन में रखनी चाहिए कि बेटे जो काम आपकी जिंदगी में है वो आप ही को करने, ऊपर से कोई नहीं आएगा। सही है, याद रखना। मैं बैठ के ये बोलूँ अल्लाह ये काम हो जाए, अल्लाह मियाँ ये काम हो जाए, अल्लाह मियाँ हमारे सारे मसाइल हल हो जाएं, ए अल्लाह गटर बह रहे हैं वो भी सही हो जाएं, ए अल्लाह मुझे मैथ नहीं आता ऐसा कोई करिश्मा हो जाए कि मुझे मैथ आ जाए, होगा आ जाएगा मैथ। बैठ के हम दुआ मांगते रहें, तस्बीह घुमाते रहें, बोले 100 दफा अगर मैं ये पढ़ लूँगे अल्लाह मुझे मैथ आ जाए, मुझे मैथ आ जाए, मुझे मैथ आ जाए, तो मैथ आ जाएगा नहीं आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अमल में पहल करनी होगी, इनिशिएटिव लेना होगा। और असल बात है कि कहने से पहले ही आपको जरूरी काम पता चल जाए। एक होता है आपको कहना पड़े और एक होता है आपको कहना नहीं पड़ रहा, आइडिया लगा लिया आपने कि यार ये इस चीज की जरूरत है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, और आप वो काम करना शुरू कर डाले, तो हम कहेंगे कि आपके अंदर ये वाला कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। देखें दुनिया में जो तब्दीली और इनकलाब आता है वो ऐसे लोगों से आता है जो इनिशिएटिव लेते हैं। सही, जो सिर्फ सोचते रहते हैं, जो सिर्फ बोलते रहते हैं और काम काम से बचना चाहते हैं, घरों में भी बचते हैं ना, मतलब पता है कि घर की सफाई खराब हो गई है, घर जो है वो साफ सुथरा नहीं है, ये पता चल गया, लेकिन हम खुद से नहीं बढ़ रहे आगे। क्यों नहीं बढ़ रहे, अरे कोई दूसरा कर ले तो अच्छा है, हम क्यों करें। ये जो सवाल है ना, मैं क्यों करूं, ये बेटे बहुत खराब सवाल है, ये सवाल नहीं होना चाहिए। मैं क्यों करूं, मुझे इससे क्या, खराब होता है तो हो, हमें इससे क्या, बिगड़ता है तो बिगड़े, हमें इससे क्या। ये रवैया खतरनाक है, रवैया ये होना चाहिए ये क्यों खराब हो, मैं हूं ना, मैं इसको सही करूंगा, मैं इसके लिए स्टेप लूंगा, मैं इसको स्टार्ट करूंगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। जब आप ये वाले कैरेक्टर के इंसान बनते हैं तो आप जिंदगी में तरक्की करते चले जाते हैं, और जब आप ये कहते हैं मुझे इससे क्या, तो आप हर मामले में पीछे हटते चले जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े निगम में बन जाते हैं, शिक्षिली बन जाते हैं, जो सिर्फ सोचता है करता कुछ भी नहीं। आप सिर्फ सोचने वाले ना बने, सोच कर करने वाले। इज इट क्लियर, चलिए जरा आपको पता है कैरेक्टर पढ़ने का हमारा क्या तरीका है, हम पहले कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, उसके बाद 5 अहद करते हैं। सही, पहला है जो ठीक काम है इसे खुद से अंजाम देना। नंबर 1, जो ठीक काम है उसे खुद से अंजाम देना। बात बहुत जरूरी है, जब आप ये बात तय कर लेते हैं कि मैं इनिशिएटिव लूंगा जिंदगी के हर मामले में, इनिशिएटिव लूंगा, देख के गुजर नहीं जाऊंगा, सही है, बल्कि अपना रोल प्ले करूंगा चीजों को सही करने के लिए। जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो इसमें बाज़ औक़ात गड़बड़ भी होती है। क्या होती है, गड़बड़। मिसाल के तौर पर मैंने एक चोर पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, मैंने बोला इस चोर को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये फिर चोरी करेगा, मैं चोर की सजा कुरान में लिखी है हाथ काट दो, ले आओ भाई मुग्धा, और मैं बोलूं इसके हाथ में ही काट दूंगा। यानी आप अमल में पहल करना चाह रहे हो, इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये सोचना पड़ता है कि आप इनिशिएटिव सिर्फ उन चीजों के लिए लोगे जो ठीक काम होंगे। चोर का हाथ काटना आपके लिए ठीक नहीं है, वो अदालत का काम है। सही, आपका काम सिर्फ ये कि उसको पुलिस के हवाले कर दें, दैट्स इट। सही, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हम जब मैं छोटा था और 20-25 साल की उम्र थी मेरी जब, तो मैं अंदर से बहुत कुड़ता था कि यार ये सारे सियासतदान जो है ना इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं,
हर एक जो है वो सियासत में आके सिवाय अपना उल्लू सीधा करने के मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो मेरे जहन में एक प्लान आता था कि एक गैंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक गैंग बनाते हैं। उस गैंग का काम क्या होगा कि चुन चुन के चुपके चुपके से सारे सियासतदानों को एक एक करके, मतलब एक को लुढ़काएं, फिर दूसरे को लुढ़काएं, फिर तीसरे को लुढ़काएं, साल दो साल में सारे साफ हो जाए। अब इसके लिए ये सोच है, इसके लिए मुझे, मैं फौरन क्या लूंगा, इनिशिएटिव भी लूंगा, लोगों को मुलाकात करूँ, आ जाओ यार बनाते हैं कि पिस्टल खरीद। नहीं, असल में आपको इनिशिएटिव लेना तो है, लेकिन किस काम के लिए लेना है? जो ठीक काम। आप बोलेंगे भी तो ठीक है, इससे गंद साफ हो रहा है। भाई लोगों को मारना ठीक नहीं है, वो आपका काम नहीं है, वो अदालत का काम है, वो पुलिस का काम है, फौज का काम है, आपका थोड़ी। तो इनिशिएटिव तो मैं लूंगा, लेकिन किस काम के लिए लूंगा? जो सही हो। ऐसा नहीं इनिशिएटिव ले लो गलत, मतलब मैं ये सोचा यार ये एक लड़का है मिसाल के तौर पर, ये बदमाशी करता है, इसको ऐसा करता हूँ, करना सही से कूटता हूँ, ये फैसला करके मैं बस गली के बाहर खड़ा हो जाऊं और बोलूं ये आए, ये मैं तो सोचता नहीं हूं, मैं कर गुजरता हूं। यानी जब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अमल में पहल करना, तो इसका मतलब ये है कि मैं सोचता भी हूं और कर भी गुजरता हूं, लेकिन कर गुजरने से पहले मैं ये जरूर सोचता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं वो ठीक है या ठीक नहीं। ठीक है, तो हम एक्शन में इनिशिएटिव लेने में आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि जो इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं क्या वो ठीक है या गलत है। पता चला गलत इनिशिएटिव ले लिया और पुलिस के हत्थे चढ़ गए, गलत इनिशिएटिव ले लिया और गोली खा ली, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। इनिशिएटिव लेने की आदत जरूर डालेंगे, लेकिन ये फैसला करके कि जिस काम के लिए हम इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं वो ठीक भी है या ठीक नहीं है। क्लियर हो गई पॉइंट? अगला पॉइंट क्या है बताइए। मैंने उर्दू में इसका तर्जुमा किया है कि जो आज हो सकता है उसे कल पर नहीं छोड़ो या छोड़ूंगा। आपके पास यही है, नॉट पुट ऑफ अंटिल लेटर व्हाट आई कैन डू नाउ। जो आज हो सकता है उसे कल पर नहीं छोड़ूंगा। आप लोग लिखते जा रहे हैं साथ साथ अपने पास? गुड गुड। तो इनिशिएटिव लेने में सबसे बड़ी रुकावट जो आती है वो ये है कि कल कर लेंगे, कल देखेंगे, अरे बाद में देखेंगे हैं, ये सवाल हम बोलते हैं ना अक्सर, कल से देखेंगे, आज छोड़ देते कल देखेंगे। तो जो लोग हर काम को कल पर डालते हैं वो इनिशिएटिव लेने वाले नहीं बन सकते। इनिशिएटिव तो वो आदमी लेता है जो बोला अभी करूंगा, अभी, ठीक है, और जो कहता कल करूंगा, कल कभी आती है? कल नहीं आती है, क्योंकि कल फिर कल आ जाती है एक और, ठीक है। तो अगर आप इनिशिएटिव लेने वाले हैं तो ये जरूर अपने अंदर आदत डालें कि जो काम आज हो सकता है उसे मैं कल पर नहीं छोड़ूंगा, आज ही करूंगा। ये बात सुना गई? ये हम जब छोटे थे ना, आपकी उम्र के थे हम, मैं जब था तो ये बड़ा मुझ में बीमारी थी, नमाज पढ़नी है कल से पढ़ूंगा, मैथ सीखना है यार कल से, जो है ना कल से बैठूंगा मैथ के लिए, ठीक है, अच्छा भाई ये वाला कल से करूंगा, शुरू कल से करूंगा, पक्का वादा, ऐसे कर पक्का वादा, कल से करूंगा, और वो कल नहीं है, ठीक है। जिस काम के लिए आपने फैसला कर लिया, ठीक है ये मैं करूंगा, ये मुझे करना है, बस उसका इनिशिएटिव आज से ही लेना, आज अभी, ठीक है। टाइम शेड्यूल करना होगा, ये मेरा टाइम होगा, इसमें इतने टाइम पे मैं बैठूंगा और मैं इनिशिएटिव लूंगा, ठीक है। तो जो आज हो सकता है उसे हम कल पर नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा ये कैरेक्टर बिल्ड होगा इनिशिएटिव लेने का। उसके बाद
क्या है? टीम में रहते हुए अपने हिस्से का काम ठीक है, ये हमने पिछले दफा भी हमने ये बात कही थी, ठीक है। कौन सा लफ्ज था? फरमाबरदारी। फरमाबरदारी में हमने कहा था कि टीम में अगर आप मौजूद हैं और आपको भी हिस्सा मिला है काम का, तो फिर आप उस पर फोकस करेंगे और कमजोर कड़ी नहीं बनेंगे, बल्कि हमेशा क्या बनेंगे? स्ट्रॉन्ग कड़ी बनेंगे। तो यहाँ इनिशिएटिव जब आप लेने वाले बनते हैं तो टीम का भी लिहाज रखते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी इनफरादी तौर पर तो बहुत एक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही वो टीम में जाता है ना, फुस हो जाता है। इनफरादी तौर पर एक्टिव इसलिए होता है कि उसमें उसकी वाह होती है, उसमें उसका नाम होता है। भाई आप रास्ते से जा रहे हो, अगर आप पत्थर हटा रहे हो रास्ते के, तो लोग आपको देख रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, तो आपका काम फौरन नजर आएगा, वाह भी होगी। लेकिन अगर आप टीम में रहकर काम कर रहे हो तो आपकी तारीफ नहीं होती, टीम के लीडर की तारीफ होती है। ऐसी होता है ना, आपकी तारीफ नहीं होगी, तारीफ किसकी होगी? तो टीम का लीडर होगा। वहां पर आप खुश हो जाते हो, वहां बोलते मैं तो नहीं करता, तारीफ इसकी होती है, वाह इसकी होती है, काम हम करेंगे। नहीं, इनिशिएटिव लेने वाले की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब वो काम के लिए इनिशिएटिव लेता है तो वो ये नहीं देखता कि वो इनफरादी तौर पर कर रहा है या किसी टीम में खड़ा है। अगर टीम में खड़ा है तो भी अपने तौर पर जो काम उससे हो सकता है वो करता चला जाता है, ठीक है। और अगर इनफरादी है तो ठीक है, तो करेगा, लेकिन अगर टीम में है तो टीम के अंदर, टीम में रहते हुए अपने हिस्से का काम भरपूर तरीके से करूँगा, ये मैं अहद करता हूँ। तो क्लियर हो रही है आपको बात? इनिशिएटिव लेने का क्या मतलब? अमल में पहल करना। एक जुमले में कैसे बोल सकते हैं? कहने से पहले ही जरूरी काम को जान लो, यानी मुझे कहना नहीं पड़े, मुझे पता चल जाए यार ये इंपॉर्टेंट है और करना शुरू कर दो कहने से पहले। एक तो ये कि आपको कहा जा रहा है, तो फिर आप इनिशिएटिव लेने वाले हैं, पर तो आप लोगों के आप गुलाम हो, सोच आपकी गुलाम है, नौकर हैं, बोलते हैं तो आप कर लेते हो, हुक्म मानने वाले। देखो हुक्म मानने वाला अलग होता है, इनिशिएटिव लेने वाला अलग होता है। हुक्म मानने वाला गुलामी की सोच रखता है और इनिशिएटिव लेने वाला हाकिम होता है, स्टेप लेने वाला होता है, ठीक है। कोई आपको कहे कि आप नहा लो, अम्मा बोले भाई बहुत दिन हो गए नहाए नहीं, चलना आओ, अब मैं कल नहा दूंगा, सही सर्दी बहुत है, अब खूब डांट पड़ी तो चलो जबरदस्ती उठ के चले गए। इसका मतलब ये है कि ये इनिशिएटिव नहीं है। कहने से पहले ही जरूरी काम को जान लो। रिद्धान होने वाले नवी दसवीं के बहुत करीब आ गई डेट, अब क्या कोई कहेगा आपको कि पढ़े? सवाल ये है, कोई बोलेगा भाई रोजाना बैठ के पढ़ा करो दो घंटे? नहीं, आप जान लें कि भाई ये वक्त आ गया अब पढ़ने का। अब तो आपने प्लान बना लिया, भाई मैं तो सुबह 3 बजे उठूंगा, 3 बजे से 7 बजे तक 4 घंटे मैथ पढ़ूंगा, स्कूल जाके 4 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, घर पे आके ये पढ़ूंगा। अब कहने से पहले ही जरूरी काम को जान लिया और फिर करना शुरू कर दिया, तो आप इनिशिएटिव लेने वाले लोग। और अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे, अभी भी आप जो है वो संडे वाले दिन सो के उठ ही नहीं रहे, जब तक के कोई डंडा लेके आपको मार मार के नहीं उठाए, जब तक आप नहीं उठ रहे। मुझे पता नहीं किसी ने बोला था, मैं भूल गया, किसी बच्चे ने बोला था, मैंने बोला आप कब उठते हैं? बोला हम तो उठते उठते तो नहीं सर, उठाता तो उठ जाते हैं, कोई तो नहीं उठाता तो नहीं उठते। संडे वाले दिन अगर कोई उठा दे तो उठ जाते हैं, अगर कोई नहीं उठाए तो नहीं उठते। आपका ख्याल है ये आदमी इनिशिएटिव लेगा जिंदगी में? कभी भी नहीं लेगा, ये ठूस है, इससे कुछ काम नहीं होने का, यकीन करें आप।
ये कभी जिंदगी में किसी इदारे का सरबरा नहीं बन सकता। इदारे का सरबरा कौन बनेगा? जो इनिशिएटिव ले रहा हो। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, अगर मैं इनिशिएटिव नहीं लूँ, बैठा रहूँ, नजर आ रहा हूँ बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये हो रहा है मसले, ये और बैठा रहूँ, कुछ भी नहीं करूँ, मैं इदारे का सरबरा बन सकता हूँ बगैर इनिशिएटिव की क्वालिटी के? आप में इनिशिएटिव की क्वालिटी होगी, आप इदारों के सरबरा बनेंगे। आप में इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी नहीं है, बात सुन के करते हैं आप, हुक्म मानने की क्वालिटी है, तो आप क्लर्क बनेंगे। ठीक है, आपको फैसला करना है आपको क्या बनना है। इदारे का सरबरा बनने के लिए क्वालिटी अलग है और इदारे का नौकर बनने के लिए क्वालिटी अलग है। इनिशिएटिव लेने वाली क्वालिटी हमारे अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है देखें आप लोग।